गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। हम लोग जो है जो आपका तो हिस्ट्री का चैप्टर है नंबर 9 का टाउन ऑफ इंडिया, वो काफ़ी अच्छे से रिवीजन कर लिया था और आप लोगों को मैंने उसके क्वेश्चन आंसर याद करने को दिए थे, तो आई होप सो कि आपने किए भी होंगे क्योंकि आपके यूटी बोर्ड के सिलेबस में है वो। ठीक है, तो उसे अच्छे से याद कर लेंगे आप। ओके, आज हम करने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये भी आपके यूटी बोर्ड में ही आना है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको बिल्कुल शुरू से रीड कर। ठीक है, क्योंकि रीडिंग से ही आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ पाएगा। क्वेश्चन आंसर अगर मैं रीड करूँगा तो वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं, मतलब कर तो दूंगा बट आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि अगर बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 156 से। सभी बच्चे खोल के बैठ जाएंगे और जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, When we talk about the beauty of our country, it includes the description of the natural vegetation, landscape, weather condition, flora and fauna, etc. जब हम अपनी कंट्री की सुंदरता के बारे में बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? नेचुरल वेजिटेशन, मतलब कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, लैंडस्केप, वेदर कंडीशन, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं। इवन अगर हम कहीं बाहर जाना सोचते हैं तो हम किसी कंट्री की सुंदरता को हम कैसे देखेंगे? ये कि जी वहाँ पे कितनी हरियाली है ऐसे देखेंगे ना हम, कैसी वेदर कंडीशन है वहाँ पे, बर्फ गिर रही है वहाँ या नहीं। सर्दियों में हम लोग इधर मनाली साइड या कुल्लू मनाली या फिर मसूरी घूमने क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं देखने के लिए और बर्फ वगैरह पड़ती है। बेसिकली वेदर कंडीशंस के ऊपर ही तो है ना, तो हमारी कंट्री की ब्यूटी वेदर कंडीशन के ऊपर और वेजिटेशंस के ऊपर, नेचुरल वेजिटेशंस के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर काफ़ी निर्भर है। ठीक है, ए वाइड वैरायटी ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है और वेजिटेशन। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में हमारे कंट्री में। लेट अस लर्न मोर अबाउट रिलेशनशिप अमंग एल्टीट्यूड, टेम्परेचर, रेनफॉल कंडीशन एंड वेजिटेशन एज वेल एज वाइल्ड लाइफ इन डिफरेंट एरिया। इस चैप्टर में हम पूरे इंडिया में घूमेंगे। ठीक है, कैसी वाइल्ड लाइफ है कहाँ की, कैसी वेदर कंडीशंस होती है वहाँ की, कैसा वेजिटेशन है वहाँ का। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम प्लांट दैट ग्रो नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन इंफेरेंस कंपेयरिंग द नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन से हम किसे कहेंगे? जो प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं जिसमें इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती या खेती नहीं करनी पड़ती, उन्हें कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर्स। जो नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ है, जो पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं, वो डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स पे। ठीक है, उनमें से क्या क्या है? जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ठीक है, रेनफॉल हो गया, सनलाइट हो गई, सोयल हो गई, हाइट अबाउट द सी लेवल हो गया, मतलब कि समुद्र के तल से आप कितनी ऊंचाई पे हैं, यहाँ पे कुछ और फसल तैयार होगी। अगर हम पहाड़ों में चले जाएंगे तो वहाँ पे कुछ अलग टाइप के पेड़ तैयार होंगे। ठीक है, क्योंकि वो सी लेवल से ज़्यादा आप हुए हैं, हम थोड़ा सा कम आप हुए हैं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड थ्रोनी स्क्रब्स इन द डेजर्ट। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन हम किसे कहेंगे? जो जंगल होते हैं, घास के मैदान होते हैं बहुत बड़े बड़े, या फिर रेगिस्तान में जो कैक्टस वगैरह उग जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे क्योंकि उसमें ह्यूमंस ने कुछ नहीं किया है, वो अपने आप उगे हैं। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन में हम देख लेते हैं फॉरेस्ट कितने टाइप का होता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडियस, टेम्परेचर एवरग्रीन, टेम्परेचर डिसीडियस, मेडिटेरियन टाइप और कॉनिफेरियस। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रासलैंड होते हैं टेम्परेचर और ट्रॉपिकल। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेजर्ट, टुंड्रा मतलब जो कि ठंडे होते हैं, और थोरी ब्रशेस जो कि गर्म होते हैं वो होते हैं। ठीक है, एरिया वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशन प्रोमोट ग्रोथ ऑफ ट्रीज विल हैव फॉरेस्ट कवर। जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा रहता है और रेनफॉल कंडीशन एरिया जहाँ पे रेनफॉल प्रमोट करता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगने को, या काफ़ी अच्छी बारिश होती है जहाँ पे,
their reasons for the amount of rainfall is low, the vegetation cover will be a grasses. Reasons of extreme dryness are called deserts. Reasons जो कि एक्सट्रीम ड्राइनेस से होते हैं, एक्सट्रीम सूखे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेजर्ट. एंड वेजिटेशन कवर वाइल कंसिस्ट ऑफ थ्रोनी स्क्रब और मोसेस. ठीक है, वेजिटेशन वहाँ पर बहुत कम होती है. ठीक है, द वाइल्ड लाइफ ऑफ एनी रीजन इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट लाइफ ऑफ द रीजन. जो वाइल्ड लाइफ है वो बेसिकली डिपेंड कहीं पर करती है, उस वहाँ की वेदर कंडीशंस पे या वहाँ के प्लांट्स पे डिपेंड करती है कि वहाँ पे कैसे पेड़ पौधे हो रहे हैं. ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगल और वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर रहते हैं. ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट मेनली डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग क्लाइमेट कंडीशन एंड द रेनी फीचर ऑफ एनी रीजंस. वाइल्ड लाइफ एंड इट्स वेराइटी इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाई द नेचुरल फॉरेस्ट कवर. ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट मेनली डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग क्लाइमेट कंडीशन. जो ग्रोथ फॉरेस्ट की ग्रोथ है वो बेसिकली डिपेंड करती है उसके क्लाइमेट पर. ठीक है, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स वेराइटी ऑल्सो डिटरमाइंड बाई द नेचुरल फॉरेस्ट कवर. और जो वाइल्ड लाइफ होगी वहाँ की वो वहाँ के जंगल पर निर्भर करेगी, जैसा जंगल होगा वैसी वहाँ की वाइल्ड लाइफ होगी. ठीक है, सो द वाइल्ड लाइफ वेराइज विद द टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन कवर. जो वाइल्ड लाइफ है वो डिपेंड करती है वहाँ के वेजिटेशन कवर पे और वहाँ के फॉरेस्ट पे. ठीक है, द फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स. फॉरेस्ट को हमने फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किया है. ठीक है, पहला टाइप है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है अमेजोन फॉरेस्ट. अमेजोन बेसिकली हमने फॉरेस्ट पढ़ा था पिछले चैप्टर में. वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन्स बिटवीन द ट्रॉपिक्स वेयर द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. रेनफॉल इज हैवी विच प्रमोट थिक ग्रोथ ऑफ फॉलेज. ठीक है, हमने उसमें क्या पढ़ा था कि वहाँ पर हमेशा हरा भरा जंगल रहता है, लगभग 200 सेंटीमीटर के करीब वहाँ पे हर साल बारिश होती है और वहाँ के पेड़ इतने घने हैं जो कि सनलाइट को ग्राउंड तक रीच करने से भी रोक देते हैं, इतने घने पेड़ होते हैं वहाँ पर पत्ते. ठीक है, द ट्रीज ग्रो वेरी टॉल एंड हैव बोर्ड लीव. काफ़ी लंबे पेड़ होते हैं और उनकी पत्तियाँ जो है वो बहुत छोटी छोटी होती है. ठीक है, सेवरल वेराइटीज ऑफ द ट्रीज कैन बी फाउंड इन स्मॉल एरिया. कुछ वेराइटीज जो है ट्रीज की वो बहुत ही छोटे एरिया में पाई जाती है. द थिक कोनेफाइज ऑफ ट्रीज डू नॉट अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड. जो मैंने आपको बताया था ग्राउंड तक नहीं पहुंचने देते सनलाइट को. ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम हार्डवुड ट्रीज लाइक महोगनी रोजवुड हैव नो नीड आर द कॉमन बट कमर्शियल यूटिलाइजेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज सेवरल स्पाइसेस आर फाउंड इन ए स्मॉल एरिया. ठीक है, कमर्शियल वहाँ पे ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कम जगहों पर पाई जाती हैं. द फॉरेस्ट आर फाउंड इन द इस टाइप के फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, ज़राई बेसिन अफ्रीका में, अमेजन बेसिन साउथ अमेरिका में, इन पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, इन इंडिया इंडिया में कहाँ पाया जाता है. दीज फॉरेस्ट आर फाउंडेड इन लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट को ही हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. ठीक है, द वाइल्ड लाइफ हियर इज ऑल्सो रिच सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमल. यहाँ की वाइल्ड लाइफ काफ़ी रिच है, यहाँ पे काफ़ी टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स पाए जाती हैं, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, जैगुआर, चिंपैंजी, मंकी, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा, सभी प्रकार के जानवर लगभग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं. ओके बच्चों, ये जो मैप दिया हुआ है ना ये देख लेना एक बार. ठीक है, अब आते हैं हम ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में. ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो हमने पढ़ लिया, बात है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन द एरिया विच एक्सपीरियंस ए मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. जहाँ पर मॉनसून टाइप का क्लाइमेट रहता है वहाँ पे इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं.
ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है बच्चों? मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है सर। दीज आर कंपेरेटिवली लेस डेंस देन द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड एज सीजन सीजनल चेंज। क्या होता है ये सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, ठीक है। मतलब सर्दी है तो सर्दी हो रही है, गर्मी है तो गर्मी हो रही है, उस टाइप का वेदर चलता रहता है, ठीक है। देयर इज थिक अंडरग्रोथ ऑफ बशेस स्क्रब्स एंड डेंस थिक 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 ऑफ बैम्बूज। बैम्बूज भी इसी टाइप के जंगल्स में होते हैं, ठीक है। ये ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट की फोटो दी हुई है, देख लेना, ठीक है। हार्डवुड लाइक द साल टीक नीम शीशम ये सब पेड़ उसी में पाए जाते हैं डिसीडियस फॉरेस्ट में। दीज ट्रीज हैव ग्रेट कमर्शियल वैल्यू। इनकी कमर्शियल वैल्यू काफी ज्यादा है, आपको पता है शीशम के पेड़ बहुत वैल्यू होते हैं साल के टीक के। यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर इन्हीं से बनाया जाता है, ठीक है। एज वेल एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। द फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, थाईलैंड, वियतनाम, ताइवान एंड साउथर्न चाइना, सेंट्रल अमेरिका, पार्ट ऑफ ब्राजील। इन्हीं जगहों पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, ईस्ट अमेरिका और नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया। ओके बच्चों, द वाइल्ड लाइफ फाउंड हियर इंक्लूड्स टाइगर, एलिफेंट, लियोपर्ड, डायनासोरस, कंगारूज, मंकीज, डियर। ये इतने सारे जानवर्स पाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। इतने सारे जानवर होते हैं वहाँ पे, इंडिया में भी पाए जाते हैं ये सब, ठीक है। वेराइटीज ऑफ स्नेक्स, सांप भी काफ़ी प्रकार के पाए जाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका डिसीडियस फॉरेस्ट। सेकेंड है आपका टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, इसमें पढ़ेंगे हम टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेचर एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट इन वार्म टेम्परेचर रीजन। वार्म टेम्परेचर रीजन में ये पाया जाता है कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन्स में, ठीक है, कॉन्टिनेंट के ईस्ट मार्जिन्स में पाया जाता है। दे आर फाउंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, यूएसए। ये मिलता है चाइना में, यूएसए में, ब्राजील में और ईस्टर्न कोस्ट पे साउथ अफ्रीका के और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये पाए जाते हैं। दीज आर मिक्सड फॉरेस्ट विद बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज। इनमें दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, हार्ड वुड भी और सॉफ्ट वुड भी, ठीक है। द मेन स्पाइसेस ऑफ आर ओक, पाइन, ये सब पेड़ों के प्रकार हैं। ओक हो गया, पाइन हो गया, वोटर हो गया, कैंपर हो गया, मुलबरी हो गया, इकोस्पैथियस हो गया, एटसेट्रा। These trees have good commercial value. The wildlife includes the giant panda, deer, antelopes, monkeys, bears, wolves and the variety of birds. इनमें ये जानवर पाए जाते हैं और काफ़ी varieties पाई जाती हैं birds की, ठीक है। ये हो गया आपका temperature evergreen forest। इसके बाद आता है temperature deciduous forest। These forests are located in high latitude in the cool temperature regions, ठीक है। दे आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ चाइना, जापान, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, साउदर्न चिली, न्यूजीलैंड, इन जगहों पर ये पाया जाता है, हाइयर लैटिट्यूड पे पाया जाता है, ठीक है। द ट्रीज थ्रो नॉट वेरी टॉल, यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं होते, थिक ट्रंक, उनके ट्रंक जो है वो भी थिक होते हैं, ज़्यादा चौड़े नहीं होते, बट ब्रॉड लीव्स, लीव्स जो है उनकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं, ठीक है। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन्स। द कॉमन स्पाइसेस आर, कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पे? ओक के पेड़, एशेज, एश है, ब्रिज, मैपल, पोपुलर, रेडवुड एंड फियर, ये पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं। डियर, फॉक्सेस, डियर, वुल्व्स, ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। बर्ड्स पाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये जो फोटो दिया है ना, ये टेम्परेचर डिसीडियस फॉरेस्ट का दिया हुआ है, देख सकते हैं। फिर आता है मेडिटेरियन वेजिटेशन, वेजिटेशन। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द वार्म टेम्परेचर रीजंस। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कॉन्टिनेंट के वेस्ट पार्ट में ही पाए जाते हैं, वेस्टर्न मार्जिन पे पाए जाते हैं। दीज एरियाज हैव ड्राई समर एंड रेनफॉल अकर इन विंटर सीजन। यहाँ पे ड्राई समर होती है और बारिश होती है विंटर सीजन में, ठीक है। ट्रीज हैव ब्रॉड वैक्सी लीव्स विद
थिक बार्क एंड लॉन्ग रूट्स, लंबी रूट्स होती हैं इनकी, ठीक है, लंबी जड़ें होती हैं पेड़ों की, जो फॉरेस्ट होता है। दिस हेल्प्स देम टू विदस्टैंड ड्राई समर वीयर, ठीक है। द मेन ट्रीज, मेन ट्रीज कौन कौन से पाए जाते हैं, ओलिव, ओक, क्रोक, फिच, पाइन, कैंडर, क्राइफिस, ये सब पाए जाते हैं। और फ्रूट्स भी मिलते हैं वहाँ पे, ऑरेंज, लेमन, ओलिव, ग्रेप, ग्रेप्स, ठीक है। द नेचुरल वेजिटेशन कवर हैव बीन रिप्लेस बाई लार्ज स्केल फ्रूट ऑर्किड, हैज नॉट मच वाइल्ड लाइफ फाउंड हियर, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी वाइल्ड लाइफ नहीं पाई जाती है, ठीक है। इट इज फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, ठीक है, यूरोप के आसपास पाए जाते हैं, एशिया एंड अफ्रीका, कैलिफोर्निया यूएसए, सेंट्रल चिली इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, ओके बच्चों, ठीक है। सब बच्चों को विजिबल है ना, आई थिंक, हाँ जी। सेकेंड है आपका कोनिफेरियस फॉरेस्ट, ठीक है। दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड बिटवीन लैटिट्यूड 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ तक ये पाए जाते हैं, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये भी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टाइगर, टाइगर कहा जाता है इसे, एंड ऑल्सो फाउंड इन द हायर एल्टीट्यूड ऑन हाई माउंटेन रेंज लाइक हिमालय एंड एल्पस, हिमालय एल्पस पर्वत पे इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं बहुत ऊंची जगहों पर, ठीक है। फॉर्म इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, यूरोप, एशिया, दे लाइज पार्ट ऑफ अलास्का, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, रशिया, साइबेरिया, ठीक है। ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट विथ स्मॉल नीडल लाइक लीव्स, स्मॉल नीडल लीव्स होती मतलब कि बहुत पतली पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। दीज ट्रीज आर सॉफ्टवुड ट्रीज एंड आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कमर्शियल बिकॉज पल्प ऑब्टेंड फ्रॉम दिस ट्रीज इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पेपर एंड न्यूज़पेपर, इस जंगल में जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी बहुत हाई कमर्शियल वैल्यू है, क्योंकि उनसे ही उनके जो पल्प निकलता है उससे पेपर बनाया जाता है और न्यूज प्रिंट की जाती है, जिसमें न्यूज़ पेपर का जो पेपर है वो इन्हीं जंगलों में पेड़ों से बनाया जाता है, ठीक है। द वुड इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर भी बनाया जाता है, मैजेस्टिक माचिस भी बनाई जाती है, प्लाईवुड, स्पोर्ट्स वुड भी इसे बनाए जाते हैं। चीर, पाइन, कैंटरफिल आर द मेन स्पेसिस फाउंड इन कोनिफेरियस फॉरेस्ट, ठीक है। द कोनिकुलर शेप ऑफ द ट्रीज इज बेस्ट सिचुएटेड टू द क्लाइमेट कंडीशन एज इट अलाउज स्नो टू स्लाइड डाउन द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री, ओके। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, सैबल एंड बेवर्स आर कॉमनली फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, मोस्ट ऑफ दिस हैव थिक कवर ऑफ फर, कोरिबिया अमेरिकन वुल्व्स आर आल्सो फाउंड हियर, यहाँ पे ये कितने सारे जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, बस यहीं तक कर लेते हैं आज इसको, मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोगों को शायद प्रॉब्लम हो समझने में, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने समझाया है सभी बच्चे उसी टाइप से इसको रीड करेंगे, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताया, ओके। आपका ये चैप्टर या एक टॉपिक और करवा दो सर, चलिए ग्रासलैंड एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। ग्रासलैंड एंड वाइल्ड लाइफ कैसे थी, मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड आर फाउंड इन द रीजंस ऑफ लो रेनफॉल, लो रेनफॉल पे ग्रासलैंड पाए जाते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर फाउंड इन ट्रॉपिकल जोन वेयर एज टेम्परेचर ग्रासलैंड आर फाउंड इन इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इन मिड लैटिट्यूड्स, ग्रासलैंड के बारे में बताया गया है कि ग्रासलैंड कैसे कहाँ पे पाए जाते हैं, दो टाइप के होते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेचर। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो मिलते हैं ट्रॉपिकल जोन में और टेम्परेचर पाए जाते हैं इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट मिड लैटिट्यूड के आसपास पाए जाते हैं,
ठीक है, तो आज इसको यहीं तक रखते हैं चैप्टर को। बाकी सभी बच्चे इसके क्वेश्चन आंसर और इसका बुक वर्क याद करेंगे, क्योंकि ये आपके यूपी बोर्ड में आना है और आई थिंक आपको जो यूपी बोर्ड होंगे वो मेरे स्कूल में ही हो रहे हैं। अभी तक वैसे कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट फिर भी उसके बारे में कुछ विचार चल रहा है या सोचा जा रहा है, जैसे भी हुआ लोगों को बता दिया जाए, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे, ठीक है। चैप्टर नंबर जो मैंने आपको दिया था, टाउन्स ऑफ द मेडाइवल इंडिया, वो सभी बच्चों ने याद कर लिया ना अच्छे से, ठीक है। बेटा उसे याद कर लेना, क्योंकि बोला तुम्हारे यूपी बोर्ड में आना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। लोग क्वेश्चन आंसर भी कर लेना उसके, सूरत वाला क्वेश्चन तुम लोग रहने देना क्योंकि वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, सेकेंड वाला जरूर कर लेना, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट डेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अब तुम्हारा क्या बचता है इसके बाद, नेचुरल वेजिटेशन तुम्हारा कल कम्प्लीट हो जाएगा आई थिंक। उसके बाद तुम्हारा सीरीज का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट, इसको इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद वो तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम इसे इस एडवर्टाइजमेंट वाले चैप्टर को, जो सीरीज का चैप्टर है जो तुम्हारे यूट्यूब फोर में आना है, उसे भी हम कम्प्लीट करेंगे बहुत अच्छे से, ऐसे ही मैं तुम्हें उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है बच्चों। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता है या मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। ओके, तो आज इसको यहीं तक रखते हैं हम। बाकी सबका काम कंप्लीट हो गया होगा, सब लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया होगा अपना, मैं आशा करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि अभी मैं आपके सामने तो हूँ नहीं, मैं ऐसे ही वीडियोज़ बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने आप से भी थोड़ी मेहनत करना, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाय।